आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनी का आगमन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? ये थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासन का नाम बताइए जिसमें वास्को डिगामा का कालीकाट में स्वागत किया था। किसने किया था? जमोरियन ने। वह यूरोपियन समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में मुद्रा लाने वाले प्रथम कौन थे? पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में थे? लुईस चौदहवां। इंडियन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। इन ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंड कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य में था पुर्तगाली शासन। नेक्स्ट टॉपिक स्वायत्त राज्यों का उदय, जैसे अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सैनिक सेना भेजी? मेजर कुट। 1756 में फुलटा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की विजय हुआ था किसको विजय हुआ था? हैदर अली विजय हुआ था। टीपू सुल्तान में ब्रिटिश सेना को 1880 में हराया था पोलिलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? पीआई रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं इस सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चंस। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। आइए सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। नेक्स्ट टॉपिक आंग्ल मराठा संघर्ष। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वायसराय से जुड़ा हुआ है? यह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रस्ताव हुआ था यह कौन सा युद्ध लड़ी गई थी? प्लासी का युद्ध। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीवी मैकाले। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब को राजगद्दी दी गई थी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक से कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ। पहला, विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय का सही क्रम कौन सा था? सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था कहाँ पे? मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर राज ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया 1856 में। रिंग फेस की नीति से नाम से जुड़ा हुआ वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कार्नवालिस।
भारत के वायसराय में से किसके हाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रेसिडेंस कोड और क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? 1871 में। मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया था? विलियम हर्सेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानून के संग्रह से। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। पहला, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा हुआ था? स्ट्रेसी आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी के प्रवर्तन में बंगाल में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत किया था? एम आर जयकर ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति के अत्यधिक प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना कौन थी? रूस जापान युद्ध 1904 और 5 में। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनैतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहलम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट टॉपिक, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बिहार में 1857 के विरोध का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसने? वीडी सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल कहाँ है? वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारत सेना के देश में अनुपात कितना था? 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मणिराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भारत भाग लेने वाले सिपाही को सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध की। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। 1857 के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कोलकाता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम प्रश्न का प्रतिफल था यह कथन किसका था? जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन किसका था? एस एन सेन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में। 1860 से 1863 में मध्य कौन सा विद्रोह होता है? जयंतिया विद्रोह। और 60 से 90 ईस्वी के मध्य में कौन सा होता है? कुकी विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पे हुआ था? मलाबार केरल में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था कहाँ का? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। ज्यातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। नेक्स्ट, पाबना आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1873 से 1885 तक। कब हुआ था? 1873 से 1885 में। एका विद्रोह आंदोलन कब हुआ था? 1922 में। संथाल हुआ था 1855 से 1856 में। ताना भगत 1914 में। ए नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। सबसे पहले संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का अर्थ क्या है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को बोला जाता है दामिन ए कोह। 1814-17 की अवधि में किस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था 1866 से। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में। नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए प्रकाशन शुरू हुआ था चंद्रिका का। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा था देवबंद आंदोलन से। 1830 में धर्म सभा की स्थापना की गई थी राधाकांत देव ने। 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर की मातृभाषा कौन थी? अवधि। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था M.G. नराडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह किया था राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था B.R. अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रनाडे। बाल विवाह प्रथा के नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या थी? 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित होता है? केशव चंद्र सेन ने। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। सरदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडियन सोसाइटी का स्थापना कौन थे? G.K. गोखले। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसके सामाजिक धार्मिक सुधारों का विद्रोह किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, इस टॉपिक के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1916 ईस्वी में। वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया अरस्काइन पेरी भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम्स जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, यह था प्राथमिक शिक्षा पे। सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा के संबंध में। काशी विद्यापीठ का संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्टन 30 मई 1826 से कहां से प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी विलेजली ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? मैकाले। अब देते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं।
भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885 इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था SN बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। आइए नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना और कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से थे उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया, किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, यह किया गया था मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मतलब पहले भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? एओ होम्स। और संस्थापक भी पूछा जाता है तो एओ होम्स। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था यह था अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कहे थे कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो। ये घोषणा किसने किया था? ये किया था करजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था यह था बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी JV कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में और 1918 में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस। वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक। पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, यह कथन सत्य है। यह असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का भी गणेश किया था किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेवेंस जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने।
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदंबरम पिल्लई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी वस्त्रों को बर्बाद ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्व बंगाल के मुस्लिम बहुल्य प्रांत का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस। कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन, गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सीमित समिति का गठन हुआ था? यह था गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी प्रसंग कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, वो थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वो जगह का नाम क्या था? कानपुर। भारतीय शांति का जनक कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, वह मदन लाल ढिंगरा अयोध्या उधम सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम का नाम कौन था? अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने देशांतर समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था मेजनी को। आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन किसका है? भगत सिंह का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपनी कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया बाल गंगाधर तिलक ने। क्रांति के तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा किसने? भगत सिंह द्वारा। लाहौर प्रचंड मुकदमे में परिणाम स्वरूप फांसी दी गई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। कांग्रेस पर अनुनय विनय विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस, मुस्लिम लीग गठन और कार्य प्रणाली के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया गया था राजगोपाल चारी द्वारा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सार्वजनिक मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान द्वारा। मुस्लिम लीग वह अधिवेशन जिसमें M.A. जीना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 का। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? राहौल अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सीजन का प्रस्ताव रखा गया खली कुजमा द्वारा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिल्ली दरबार एवं बंगाल विभाजन का न्यस्तीकरण, या इसका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन,
अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पीकार कौन थी? एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किया था, वो था लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन से पहला क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुआ था 1905 में लंदन में, किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे? होम रूल लीग आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में कब आया था? कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो था होम रूल लीग आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से। गांधीवादी युग का फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका से रोलेक्ट सत्याग्रह तक, पहला क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जालियांवाला बाग नरसिंह के बाद लौटा दिया, कब दिया गया था? 1915 में। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण दिया था बनारस में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में सर्वप्रथम खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम जी रनाडे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी वह वर्ष कब था? किस वर्ष लिखी थी? 1909 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, वो था अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। चंपारण में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी देने दिए जाने के विरोध में। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? बेलग्राम। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन जी रंगा ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया किसको? महात्मा गांधी को। गांधी जी के राम राज्य के युग सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था किसने? सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वह इंडियन ओपिनियन। वह दो नेता जिन्होंने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक।
महात्मा गांधी के समर्थक थे, दार्शनिक, अराजकतावाद। करमचंद गांधी यानी गांधी दीवान कहाँ पे थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका वो रेलवे स्टेशन जहाँ गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटरमरिट्ज़बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का कृत्रिम रूप है गरीबी का अस्तित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, इरवदा जेल। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादनों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान क्या था? उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी संबंधित किस आंदोलन से नहीं थे? होम रूल आंदोलन से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का सही क्रम क्या था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन था 1920 में और दांडी मार्च हुआ था 1930 में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साम्यवादी आंदोलन और विभिन्न दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, यह होते बीपी वाडिया द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसे 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों का प्रवेश संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया था, पीएस तिरुमारू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जालियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, वो बहावी आंदोलन। वर्ष 1940 में मेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एमएन रॉय ने। सम्यनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों में संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर प्रचंड मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। आइए खिलाफत आंदोलन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां द्वारा। ये नेक्स्ट टॉपिक, असहयोग आंदोलन। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए, कौन? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा के हुई हिंसा के कारण। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी किस जनपद मतलब किस राज्य किस जिले में, जनपद मतलब जिला, यह है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन में सब समर्थन किया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो था कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसके बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया डॉक्टर मुंजे ने। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी की चोरी चौरा की घटना की सूचना दी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच से अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। पहला, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? बेलगांव, वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अवध। तेभागा आंदोलन का संबंध था किसानों से संबंध यह आंदोलन था। अब देखते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी का नेता कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाली जाती थी? चार भाषाओं में। नेक्स्ट स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में निम्नलिखित थे कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था सी आर दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्र विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम ए जिन्ना ने। स्वराज पार्टी से संबंधित थे एम आर जयकर। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से कुछ क्वेश्चंस। भारत में साइमन कमीशन की बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। पहला क्वेश्चन, वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? 1929 में। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता का शपथ ली थी वह था लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को।
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया? अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धर्षण नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? एरवदा जेल में। वह आंदोलन जिससे भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंधित है गांधी जी का डंडी यात्रा के समय। वो प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी डांडी कूच में सर्वाधिक थी वह था प्रांत गुजरात। महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा में संबंधित डांडी स्थित है किस जिले में? नौसारी जिले में। आइए नेक्स्ट टॉपिक, गांधी इरविन समझौता कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन से कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्बेल जॉनसन। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। गांधी इरविन समझौता हुए मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, सांप्रदायिक अधिनियम एवं पूना समझौता। पहला, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी और अंबेडकर। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थर नहीं, यह किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई है? लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।